अमेरिका के साथ समझौता कर जापान और नीदरलैंड ने आधुनिक कंप्यूटर चिप बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का फैसला किया है। हालांकि अमेरिका ने इस पर अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने आधुनिक चिप हासिल करने से चीन को रोकने के लिए अक्टूबर के महीने में निर्यात नियंत्रण लागू किया था। बाइडेन के प्रशासन का कहना है कि आधुनिक चिप का इस्तेमाल हथियार बनाने, मानवाधिकार उल्लंघन करने और उसके सैन्य साजो सामान की गति और सटीकता में सुधार करने के लिए किया जा सकता है। इस पर चीन ने आक्रामक प्रतिक्रिया दी और कहा कि व्यापार पाबंदियों से आपूर्ति श्रृंखला तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था की बहाली बाधित होगी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने संबंधित देशों से साथ मिलकर काम करने की अपील की है। उन्होंने महीने की शुरुआत में कहा था, हम उम्मीद करते हैं कि संबंधित देश सही कदम उठाएंगे और बहुपक्षीय व्यापार शासन बनाए रखने और वैश्विक औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थिरता की रक्षा के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। इस बारे में व्हाइट हाउस ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। साथ ही नीदरलैंड की सेमीकंडक्टर उत्पादन उपकरण की प्रमुख निर्माता कंपनी ASML ने रविवार को बताया कि उसे समझौते की कोई जानकारी नहीं है। प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।